एक तरफ जहां सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने का काम कर रही है, तो वहीं झांसी जिला अस्पताल के अधिकारी सरकार की मंशा को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। एक और जहां सरकार मरीजों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयासरत है और अपने खजाने का मुंह खोले हुए है, वहीं दूसरी तरफ उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग भी ठीक से नहीं किया जा रहा है। झांसी के जिला राजकीय चिकित्सालय में मरीजों के तीमारदारों के लिए बनाए गए रैन बसेरा से बड़ा उदाहरण कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। रैन बसेरा के उद्घाटन के बाद ही इसके अधिकांश कमरों पर जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया। जैसे तैसे कब्जेधारियों से मुक्ति मिली तो रैन बसेरा की शोभा उसमें बने कमरों में लगे ताले बढ़ाने लग गए। स्थिति यह है कि महीनों से इन कमरों में ताले लटके हुए हैं और अस्पताल में मरीज को लेकर बाहर से आने वाले तीमारदार जमीन में लेटने को मजबूर हैं। इन हालातों के लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिला अस्पताल का प्रशासन कटघरे में खड़ा नजर आता है। मेरा नाम है सईद मंसूरी। कहाँ पे खड़े हो आप? मैं सिविल अस्पताल में खड़ा हुआ हूँ। कौन भर्ती है आपका? मेरा भतीजा भर्ती हुई है, गांव से भर्ती हुई है। आप यहाँ क्यों बैठे हैं नीचे? यहाँ पर ताले डले हुए हैं रेन वसीरे में, कहाँ बैठे हैं? गर्मी का टाइम है इसलिए ठंडक में बैठे हैं, पेड़ के नीचे। कब से पड़ा ताले? ये मैं तो सुबह से देख रहा हूँ। ये कौन सी जगह है? ये खैरात अस्पताल है। यहाँ कोई भर्ती है आपका? हाँ भाई। तो यहाँ जमीन पे क्यों बैठे हो? क्या करें, रेन बस यहाँ ताली लगी है कोई भाई। कब से है ताला बंदी? जब से हमारे जमीन से बंद है सुबह से। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, B Tech, M Tech and Polytechnic Diploma. Contact now. www.pkuniversity.edu.in. Address: Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.